हेलो गाइस, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में आप लोगों को आरजीएस टूल के सीक्रेट चीट कोड बताने वाला हूं और साथ में अपने गेम में थारॉक्स आ गई और थारॉक्स का भी चीट कोड बताने वाला हूं। आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में कितनी थारॉक्स को स्पॉन करा लिया और आप लोग देख सकते हो थारॉक्स कितनी मस्त लग रही है। तो आप लोगों को कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना। और आप लोगों को थारॉक्स के साथ साथ आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि अपने गेम में न्यू फॉग का क्या चीट कोड होने वाला है। आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में फॉग को भी स्पॉन करा लिया है और कौन सा नंबर डायल करोगे तो आपके गेम में भी फॉग स्पॉन हो जाएगा। और उससे पहले आप लोग ये देख सकते हो मैंने अपने गेम में रैन मोड को भी एक्टिवेट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। उससे पहले अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इंडियन बैश ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। जब भी इंडियन बैश ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो अब बात करेंगे अपने गेम में थारॉक्स का चीट कोड क्या है, तो आप लोगों को थारॉक्स का चीट कोड बता देता हूं। उससे पहले आप लोगों को ये बता देता हूं कि अगर आप लोगों ने इंडियन बैश ड्राइविंग 3D गेम को न्यू अपडेट नहीं किया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपडेट कर लेना, नहीं तो आपके गेम में ये न्यू चीट कोड वर्क नहीं करेंगे। तो अब बात करें अपने थारॉक्स के चीट कोड की, तो मैं अपना फोन निकाल लेता हूँ और डायल कर लेते हैं अपने थारॉक्स का चीट कोड। तो आप लोगों को डायलर में आ जाना है और डायल कर लेना है 999। जब 999 डायल करोगे तो आपके गेम में थारॉक्स का चीट कोड एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि थारॉक्स को कैसे स्पॉन कराते हैं। तो आप लोग देख सकते हो मैंने 999 डायल कर लिया है। जैसे ही 999 को डायल करोगे अपने गेम में तो आप लोग देख सकते हो वैसे ही अपने गेम में न्यू थारॉक्स आ जाती है। आप लोग देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। तो आप लोगों को कैसी लगी न्यू थारॉक्स एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना। और अब बात करें अपने गेम में न्यू फॉग के चीट कोड की, तो आप लोगों को बता देता हूं। उससे पहले आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इस थारॉक्स का आप कलर भी चेंज कर सकते हो, किसी भी कलर में आप लोग चेंज कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो मैंने अपने गेम में कलर को भी चेंज कर दिया, तो आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हो अपने थारॉक्स का। तो आप लोग बताओ कि आप लोगों को कैसी लगी न्यू थारॉक्स। अब बात करें अपने गेम में कि आप लोग फॉग को कैसे स्पॉन कराओगे, तो आप लोगों को फॉग को स्पॉन कराने के लिए 999 डायल करोगे तो आप लोग देख सकते हो फॉग अपने गेम में आ जाता है। तो आप लोगों को कैसा लगा ये न्यू फॉग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना। तो आप लोगों को रैन का भी चीट कोड बता देता हूँ कि रैन का चीट कोड क्या है। तो आप लोगों को 999 डायल करोगे तो आपके गेम में रैन एक्टिवेट हो जाती है। आप लोग देख सकते हो रैन कितनी मस्त लग रही है। और अब बात करें कि आप लोगों को नेट मोड कैसे करना है, तो आप लोगों को नेट को मोड को भी एक्टिवेट करने के लिए चीट कोड डायल करने वाला बता देता हूं। तो आप लोगों को नेट मोड को चीट कोड के लिए आप लोगों को 999 डायल कर लेना है। 999 डायल करोगे तो अपने गेम में नेट मोड एक्टिवेट हो जाता है, आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को मैं बता देता हूं न्यू अपडेट करोगे तो आप लोगों को 999 डायल करते रहना, आपके गेम में न्यू अपडेट में न्यू चीट कोड अपने ऐप एक्टिवेट होते रहेंगे। तो अब बात करें कि अपने गेम में आरजीएस टूल के कौन सा न्यू चीट कोड आया है, तो आप लोगों को आरजीएस टूल के न्यू चीट कोड बता देता हूं। उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दो। और अब बात करें आरजीएस टूल के चीट कोड की, तो आप लोगों को आरजीएस टूल के अंदर आ जाना है और डायल कर लेना है B11। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं B11 डायल कर लिया हूं और B11 डायल करते ही आपके सामने एक्टिवेट कर दिया। तो आप लोग देख सकते हो न्यू बिल्डिंग आ गई है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये न्यू बिल्डिंग एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना। और अब बात करें कि ये न्यू चीट कोड कितने आए, तो आप लोगों को मैं बता देता हूं। तो आप लोगों को आरजीएस टूल के न्यू चीट कोड 10 देखने को मिले हैं। तो आप लोगों को बता देता हूं कि 10 न्यू चीट कोड कौन कौन से हैं। तो आप लोगों को B11 से लेकर B20 तक डायल कर लेना, तो आपके गेम में न्यू बिल्डिंग आती रहेंगी। तो आप लोगों को वैसी लगी ये न्यू बिल्डिंग तो एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना। और आप लोगों को फिर से बता देता हूं, मैं इंडियन बैश ड्राइविंग 3D गेम के न्यू अपडेट से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहता हूं। अगर आप लोग मेरी वीडियो पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी जल्दी से शेयर कर दो। और अब बात करें कि न्यू अपडेट में और आप लोगों को क्या देखने को मिला है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कार शेप करने का ऑप्शन मिला है अपने न्यू अपडेट में। और आप लोग नहीं जानते हो कार शेप करने का ऑप्शन, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कार शेप करने का ऑप्शन ऐसा है कि अपने गेम में कहीं भी आप लोग कार को स्पॉन कराओगे और अपने गेम में कहीं भी घूमने जाओगे तो आप लोग दोबारा से उसी स्थान पर आओगे तो आप लोगों को कार देखने को मिल जाएंगी। तो आप लोगों को न्यू अपडेट ये कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना। और आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी उसके लिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। और मैं मिलता हूँ फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।